Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum. Class 10, Unit 16. Introductory Electronics. Today our topic is Cathode Ray Oscilloscope. In our last class, we have discussed about thermionic emission and electron gun, and today we will discuss about Cathode Ray Oscilloscope. Simply, we can call it CRO. It is actually an instrument that converts the electrical signal into the visual signal. We electrical signal. हम वेव फॉर्म देते हैं वॉइस को भी ये कन्वर्ट कर सकता है और ये सिर्फ वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज जब हमने थर्मियोंनिक एमिशन पढ़ा या इलेक्ट्रॉन गन पढ़ा इन दैट वी हैव कम टू नो दैट के हमारे पास केथोड जो होता है इलेक्ट्रोड केथोर्ड एंड एनोड दो होते हैं तो जो केथोड होता है वो इमिट कर रहा होता है सम काइंड ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स अब तब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं था सो वी कॉल दैम द केथ हमने उसे क्या कह दिया हमने उन्हें कह दिया कि ये कैथोड होर्ड है अब और ये नेगेटिवली चार्ज है फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलोस्कोप की कि व्हाट इज ऑसिलोस्कोप? कि जब हम ऑसिलेट होती है कोई चीज तो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं वी कॉल इट ऑसिलोस्कोप अब हमारे पास रे ट्यूब बनानी थी हमने ये जो रे ट्यूब बनी ये हमने थर्मियोनिक एमिशन और इलेक्ट्रॉन गन दोनों को एक जगह पे किया एंड देन वी गॉट अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड रे ट्यूब और उसमें से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुई उसको हमने बीम की फॉर्म में लाया और वी कॉल्डो बीम वाज दैट कैथोड रे बीम यहां पे आप फिगर में देख सकते हैं दैट इज एक्चुअली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द गेट होटर ऑफ टेलोस्कोप हमारे पास डिफरेंट प्रोब्स लगे हुए हैं एडजस्टमेंट के लिए होते हैं यहाँ हमारे पास ग्राफ शो होता है कि जैसे ही आपके पास वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वेव लेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ ऑल एंड ऑल सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ आ जाती है सो मूविंग फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन पे चले जाते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमारे पास इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन गन

हीट हीटअप होगा हीटर के तौर पे काम करेगा और नेगेटिव वहाँ पे चार्जेस एमिट हो जाएंगे नाउ हमने यहाँ पे कंट्रोल ग्रेट लगाया हुआ है कंट्रोल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रोड आ जाता है दैट इज एनोड अब यहाँ एनोड क्या करता है एनोड इज पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं तो वो करेगा? उसे अपनी तरफ लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन तो उसे, उसे, उसे यूज कर रहे हैं अब सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं जब सारे के सारे आएंगे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम बन जाएगी ना हेयर आर द प्लेट्स एक्स प्लेट एंड प्लेट अब हमारे पास ये जो एक्स प्लेट है दीज आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वाई प्लेट्स हमारे पास क्या है दीज आर द वर्टिकल प्लेट्स ये क्या करती हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करवाती हैं वर्टिकल प्लेट्स वर्टिकल साइड पे रिफ्लेक्ट कराती हैं अप एंड डाउन और हॉरिजेंटल प्लेट क्या करती है हॉरिजेंटली उसे डिफ्रैक्ट करवाती है एज ए रिजल्ट हमारे पास एक फाइन बीम बन जाती है अब वो बीम क्या होती है जाती है आगे स्क्रीन के ऊपर पड़ती है जो स्क्रीन हमने बनाई हुई है वो हम साल्ट यूज करते हैं यूजली फास्फोरस यूज करते हैं ऐसी स्क्रीन होती है जो सेंसिटिव होती है किस पे, आ, कि उस पर आप इलेक्ट्रॉन लगे तो वो उसका रिएक्शन बता सके अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां पे हिट होता है तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो एज अ रिजल्ट वहां पे एक लाइट स्पॉट बन जाता है अब इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं वन वन बाय पे देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया तो कहता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन द दम इट द रे एंड जनरली इंक्लूड्स कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है इलेक्ट्रॉन गन हमें जनरली इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है

कहता है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास फिलामेंट है उसको हम स्ट्रॉनशियम या बैरियम लेयर्स उसके ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि कम टेम्परेचर पे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो अब कहता है कि फॉक्सिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं एज यू नो दैट कि हमने फर्स्ट सेकेंड टॉपिक में लेक्चर जो मैंने आपको दिया इलेक्ट्रॉन uh, गन वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज uh, को पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा रिएक्ट करेंगे तो वही बात यहाँ कर रहे हैं कि हम वो टेक्निक्स यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग कि हम क्या करेंगे स्टैटिक चार्जेस यूज करेंगे फोकस करने के लिए कि जब हम चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज से वो रिपेल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा इसी तरह हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोक्सिंग यूज कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा कि कैसे हमारे पास चार्ज बॉडी जब मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड तो वो बैंड डाउन हो जाती है

वाई प्लेट है दीज आर दर्टिकल प्लेट्स ये हमारे पास क्या है वर्टिकल प्लेट्स हैं ये क्या करते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन करते हैं मतलब अप एंड डाउन डिफ्लेक्शन करते हैं और एक्सप्लेट इज अजेंटल प्लेट इनकी आगे पीछे हो सकती है कि पहले हम एक्सप्लेट्स को रखते हैं और फिर वाई प्लेट को रखते हैं पहले वाई प्लेट को रखते हैं फिर एक्सप्लेट को रखते हैं जस्ट इनका काम क्या होता है टू मेक द बीम फाइन कि उसे फोकस कराना होता तो كده है एक एक साइड पे रिफ्लेक्ट करती है दूसरी साइड पे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इट इज अ पॉजिटिव ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहाँ से जो रे आएगी वो इस साइड पे रिफ्लेक्ट होगी ऐसा ही होगा ना अब हम क्या कहते हैं कि अगली जो प्लेट हम ले रहे हैं उसमें क्या करते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव ले ली और ये हमारे पास नेगेटिव ले ली इधर क्या किया था इसको हमने नेगेटिव लिया था और इसको हमने पॉजिटिव लिया था तो यहाँ पे बीम किस साइड मूव कर रही थी ऊपर वाली साइड पे अब यहाँ पे जैसे ही जाएगी तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे बीम ऐसे रो डायरेक्शन में नीचे वाली डायरेक्शन में मूव करेगी यहाँ से भी अप एंड डाउन यहाँ पे होगी और यहाँ पे क्या हो गया कि हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन होगी एज अ रिजल्ट वी विल गेट अ फाइन बीम हमें एक फाइन बीम मिलेगी जो कि स्ट्रेट जाएगी आगे स्क्रीन के ऊपर

अब कहता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है स्क्रीन का दैट इज़ एट सेंटीमीटर टू द टेन सेंटीमीटर के एट सेंटीमीटर से टेन सेंटीमीटर तक हम स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं अब वही बात कि स्क्रीन को हम कोट करते हैं फास्फोरस से किससे फास्फोरस से या कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी आ, जो साल्ट होती है और ऐसे साल्ट जो कि सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन में अब क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है वहां पे स्टक करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑफकोर्स हाई एनर्जी स्टेट पे होता है ना एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो वहां पे टकराता है जब किसी चीज से तो जैसे ही वो टकराता है वो तो डी एक्साइट हो जाता है डी एक्साइट होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वहां पे एनर्जी रिलीज होती है वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट विल बी लाइक अ स्पॉट वो एक स्पॉट लाइट पार्टिकल की तरह वहाँ पे एमिट होती है और हमें रोशनी नजर आती है कहता है लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन हम टेलीविजन स्क्रीन की बात करते हैं कि हम टेलीविजन स्क्रीन में देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि थोड़े ट्यूब यूज कर देते हैं हमारे पास हर एक जो सियारो होता है उसका अपना साइज और शेप होता है लेकिन उनका जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है कहता है फॉस्फोरस क्रिस्टल टू द अल्टर द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल टू द लाइट कि वही सारा बात की हुई है कि हमारे पास कैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है फॉस्फोरस क्रिस्टल क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता यूजेस ऑफ सीआरओ हमारे पास सबसे पहले सीआरओ यूज हो रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ कि कोई भी हमारे पास वेव फॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड बताने के लिए हमें यूज करते हैं फिर द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल टू द लाइट सिग्नल हम इलेक्ट्रिकल टू द लाइट इलेक्ट्रिकल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ठीक अब द नेक्स्ट वन इज इन मेडिकल फील्ड एंड मेडिकल प्रैक्टिस इट कैन बी यूटिलाइज कीप ऑन ऑन आई द डिफरेंट भी हार्ट बीट और नर्वस सिस्टम कि हम हार्ट बीट क्या होती है हम उसे देख रहे होते हैं जब हम वो करते हैं मीन्स दैट कार्डियोग्राफ के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं और नर्वस सिस्टम उस पे कैसा रिस्पांस करते हैं इन सब के लिए हम CRO यूज करते हैं अब कहता है हमारे पास शॉर्ट टर्म फिनोमिना जिनकी रेंज बहुत कम होती है लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं एसीआरओ यूज करते हैं नाउ मूविंग टू बट नेक्स्ट स्लाइड अब कहते हैं द फिजिक्स ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन आपने देखा होगा आप आजकल तो एलसीडीज आ गई है ना जो पहले वाली टीवी होती थी टीवी उनका जो बड़ा सा बैक होता था दैट वाज वर्किंग ऑन दी सी आर ओ वो हमारे पास सी आर ओ पे काम करती थी इस तरह की उनकी होती थी सबसे पहले हमारे पास केथोड होता था फिल्मेंट और फिर आगे एनोड लगा होता था और फिर डिफरेंट हमारे पास फ्रिक्वेंसीज की वेव्स प्रोड्यूस होती थी और आगे हमारे पास स्क्रीन लगी हुई होती थी जिसमें हमें इमेजिंग प्रोड्यूस होती थी और यू मस्ट इंटरेस्टिंग टू नो देट कि अगर वो जो पुरानी टी वी होती थी उसके पास अगर मैगनेट ले चले जाओ ना तो उसकी स्क्रीन गायब हो जाती थी वो शॉर्ट करना स्टार्ट कर देती थी बी लाइक नो क्लियर स्क्रीन वहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं होती थी कि वहाँ पे uh, हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते थे ना तो जैसे ही हम मैग्नेट लेके जाते थे तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो डिस्ट्रॉय uh, हो जाता था उनकी मोशन uh, जो है वो खराब हो जाती सो दैट्स वाई हमारे पास ऐसा होता था न द नेक्स्ट वन इज के हमारे पास ये जो है uh, सी इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि साउंड वेव्स की कैसे हमारे पास वेव बन रही है क्या फ्रीक्वेंसी है तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर साउंड के प्रोडक्शन की ले लेते हैं उसके बाद हम माइक्रोफोन को साथ लगाते हैं एंड देन वी सेट आर सी आर ओ और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका इतना एम्पलीट्यूड है सिंपली अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं जब आप म्यूजिक ऑन करते हैं तो वहाँ आपके पास ग्राफ चल रहा होता है चलता है ना जैसे ही बीट हाई होती है तो आपको वो जो ग्राफ है पीक पे चला जाता है बीट कम होती है दैट कम द लोस्ट डाउनवर्ड नेगेटिव में आ जाता है तो वो क्या होता है दैट इज समाउ सम की तरह होता है लेकिन वहां पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा होता लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सारा पता चल रहा होता है इट वाज ऑल अबाउट सीआरओ सीआरओ में हमने क्या पढ़ा कि सीआरओ हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है जिसमें हम ये देखते हैं कि uh, हाउ साउंड uh, uh, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कनवर्टेड इनटू द लाइट सिग्नल हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थर्मोनिक एमिशन और इलेक्ट्रॉन गन दोनों को मिला मिलाकर हमने बनाया कैथोड रे ट्यूब और उसके बाद आज भी यह हमारे पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज हो रहा है थैंक यू